आज हम देखने वाले हैं वर्चुअल लेबोरेटरी में वाइब्रेशन और एकॉस्टिक टेस्ट्स। तो कुछ ऐसे स्क्रीन दिखेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में जा सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। वी गो फॉर द सेकेंड वन, इम्पैक्ट टेस्ट ऑन कैंटिलीवर मॉडल एनालिसिस। अब ये जो मोड शेप्स होते हैं, हर एक मोड के लिए एक फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई होता है, दैट एट दैट फ्रीक्वेंसी इट विल डिफॉर्म इन सर्टेन वे। तो यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम का जो एक्सपेरिमेंट है उसका एम मिल जाएगा। बीम और कैंटिलीवर बीम में कभी भी वाइब्रेशन होगा तो उसके कितने मोड्स पॉसिबल है, पॉसिबल बेंडिंग्स इन दैट पर्टिकुलर एपर्चर, वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बैकअप के इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे जिससे ये सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। इफ़ यू रिफर द थ्योरी, तो जो थ्योरिटिकल कंटेंट है वाइब्रेशन सिस्टम हमारे आसपास जो भी रहते हैं उसमें जब भी ऑसिलेशंस होते हैं तो वो कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते रहते हैं। तो वो जो फिजिक है बिहाइंड दैट प्रॉब्लम एंड द एक्चुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर बीम, उसे कन्फिगर किया जाता है मैथमेटिकल मॉडल में कुछ इस फॉर्मेट में यूजिंग दिस इक्वेशंस। उसका प्रोसीजरल आस्पेक्ट रहता है, आपको एक बीम को अच्छे से एक टेबल पे रखना है और उस पर प्रोब्स लगा के उसका एनालिसिस करना है। यह है उसका सिमुलेटर। अगर इस सिमुलेटर में उसका विड्थ 0.0116 मीटर रख दिया जाए, हाइट 0.00325 रख दिया जाए, या डेप्थ और लेंथ 0.190 मीटर्स रख दिया जाए, दिस इज़ द बीम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसे एक एंड से फिक्स किया गया है फिक्सचर में, टेबल पे माउंट किया गया है। ये जो है वो प्रोब का पोजीशन है जहाँ पे रीडिंग अभी मेंशन किया हुआ है। यू कैन कैलकुलेट द पैरामीटर्स, विड्थ हाइट और लेंथ को चेंज करके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, और मटेरियल जो है उसे आप प्रेफर करिए। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, उसका डेंसिटी आइडेंटिफाइड है, यंग्स मॉडुलस अवेलेबल है। कहाँ पे मुझे चेक करना है, एट नोड 2 आई कैन चेक। यू कैन सी द प्रोब इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन नोड 7। ठीक है, हम हीट कहाँ पे करेंगे, नोड 5 पे हीट करना है, कहीं भी हीट कर सकते हैं। गो फॉर नोड 7, एंड पे हीट करते हैं। ठीक है, अब मैं जब ये हिट दी हैमर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, जो FFT एनालाइजर के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं और सिमुलेटर के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। तो आई हिट दी हैमर नाउ, यू कैन ऑब्जर्व इट हैव शोन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी प्लॉट ओवर हियर। यहाँ पे देखिए इसका रिस्पॉन्स ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। नाउ आई थिंक इट इज स्टॉप। तो ये रहा उसका वाइब्रेशन एपर्चर, वो अपने मेन पोजीशन से 700 यूनिट्स और नीचे -700 यूनिट्स जितना इनिशियली मूव हुआ, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3.5 सेकेंड एंड अप टू 4 सेकेंड। एट 4 सेकेंड द रेंज वाज अबाउट 100 -100, इतने जोन में उसका ट्रैवल हुआ। ठीक है, यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, ये देखिए। So within 4 seconds something have been, the impact have been available, and after that we have got certain responses. आप उसके FRF को अलग से देख सकते हो, Fourier response forms के plots को। यहाँ पे ये response हमें दिख रहा है, it is defining jerk when it reaches at top, then it comes back, and again when it reaches at top it have certain jerks for certain times। और ये है उसके एनालिसिस के इन बिटवीन, इट इज़ वाइब्रेटिंग, इट इज़ ऑसिलेटिंग ऑन इट्स पोजीशंस। ये है उसका कंडीशन। तो दिस इज़ द हैमर टेस्ट फॉर वाइब्रेशन, दिस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय IIT, मॉडल एनालिसिस ऑन अ कैंटिलीवर। दिस इज़ द नेम ऑफ रेफरेंस। और नोड 7 पे जो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो है 75 हर्ट्ज़, 473 हर्ट्ज़, 1324 हर्ट्ज़, FN1, FN2, FN3। तो ये होता है पूरा वाइब्रेशन का इन्वेस्टिगेशन व्हेन वी डू हैमर टेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर
observing, and like and subscribe the video, subscribe the channel. Thank you.